वक्त अनारकली अंजमन ताजरान और मलहका मार्केट हाजी नईम खान साहब के पास मौजूद हूँ। आज पंजाब असम्बली में सूबाई बजट पेश किया गया, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसके हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर गवर्नमेंट ने जो आज बजट पेश किया है, बड़ा अच्छा ताजर दोस्त बजट पेश किया गया है, क्योंकि मुखालफत बारे मुखालफत अच्छी बात नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमेशा कम गवर्नमेंट के मुखालिफ सही, पर गवर्नमेंट ने जो काम आज बजट में किया है वो करना चाहिए था, क्योंकि जो ताजर है ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पिस गया है। तनख्वाहदार तबका, उसको तनख्वाह मिलती रही है, गवर्नमेंट को जो मुलाजमी थे उनको तनख्वाह मिलती रही है, और जो दूसरे मुलाजमी थे तबकों के फैक्ट्रियों को उनको तनख्वाह मिलती रही है। असल में जो इस टाइम पिसा है वो ताजर पिसा है। जो कोरोना में जो मुतासर हुआ वो ताजर मुतासर हुआ है, और जो ताजर जिसके पास 10-20-30 लाख रुपये की राश थी वो अपनी इन दिनों में रास खा गया। तो गवर्नमेंट को हमने ये भी मुतालबा किया हुआ था कि कम अज़ कम जो है छोटे ताजरों के लिए बिला सूद 5-10-15-20-25-30 लाख रुपए तक कर्जे रखे जाएं। वो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान नहीं है, पॉलिसी में ऐलान किया, शायद जो अगला बड़ी बजट आता है उसमें ऐलान करे गवर्नमेंट। बहरहाल आज जो गवर्नमेंट ने ताजरों पे टैक्स आगे अगले साल के लिए नहीं लगाया, उसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, और जो 14-12% पर सेल टैक्स लाए उसके लिए भी हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद करते हैं कि ताजरों को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ताजर इस टाइम बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है और रिलीफ देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर ताजर चलेगा तो हुकूमत चलेगी, मुआशियत चलेगी, मुआशियत चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। तो पाकिस्तान चलने के लिए ताजरों को साथ लेकर हुकूमत की मजबूरी है कि ताजरों को साथ लेकर चले। अगर नहीं चलेगी तो हुकूमत और ताजर अलग अलग दो रुख हो जाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नुकसानदेह होंगे। तो ये हम पाकिस्तानी और कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। हम जो काम हुकूमत सही करेगी हम साथ हैं, अगर गवर्नमेंट गलत काम करेगी तो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के आगे खड़े होंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने जाना कि नईम खान साहब का ये कहना था कि हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जितना रिलीफ ताजरों को दिया है उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी हुकूमत के साथ हैं। इसके साथ दीगर ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। उहदे दौरान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पंजाब असम्बली जो आज पंजाब का बजट पेश किया गया है, हम समझते हैं कि उन्होंने कोशिश की है ताजरों के लिए बेहतरी पैदा करने की। अगर वो ताजरों के लिए बेहतरी करेंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि ताजर इस वक्त ताजर बहुत ज़्यादा पिस गया है। इन हालात में मुश्किल हालात है, मुश्किल वक़्त है, महंगाई है, कोरोना का वबा है। अल्लाह पाक इस कोरोना के वबा से तमाम आलम इस्लाम को निजात अता करे, और अल्लाह पाक इस हुकूमत से कोई अच्छा काम ले ले, ताकि जो है ना ताजर लोग इस वक्त वाकई हकीकत में बहुत ज़्यादा पिस गए हैं और मजबूर हो गए हैं। जो हमारे जो सेलमैन हैं वो बेचारे कुइयों की जॉब चार तीन दो लड़के नहीं अफोर्ड कर सकते उनको, तो इसलिए इसको हम समझते हैं कि ये कोशिश की है उन्होंने, तो अगर उन्होंने अच्छी नेक नीयत से कोशिश की है तो हम उनके साथ हैं। जी, इनका यही कहना है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जी, मेरे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। जी बताइए। जी, बजट में गवर्नमेंट ने रिलीफ तो दिया है, पर छोटे ताजरों को ज़्यादा देना चाहिए। ताजर पिस गया है ये लॉकडाउन की वजह से, 3 माह की वजह से ना जो हुआ है, तो जिनके छोटे ताजरों को ये पैकेज देना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है कि नहीं। तो गवर्नमेंट के साथ हैं तो ताजर, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, तो आप भी मेरे जिनके गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि छोटे ताजरों को रिलीफ दें, ठीक है कि नहीं। अजी, इनका ये कहना था कि छोटे ताजरों को ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था और उनको बिला सूद कर्ज़े दें, ताकि जो इस वक्त छोटा ताजर पिसा हुआ है वो कम से कम अपने कारोबार को दोबारा चला सके। कैमरामैन फुरमयाज के साथ आर्य भट्टी, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।